आज हम मानव भूगोल के अर्थ प्रकृति विषय क्षेत्र के सेकंड पार्ट की अपन बात करें। पहले पार्ट में अपन ने पढ़ा कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात अब अपन करेंगे मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र। देखिए, अपने मानव भूगोल के अर्थ में बात की कि मानव भूगोल में मानव का अध्ययन, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, मानव वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल मूल रूप से अध्ययन किसका करता है, नेचर जिसको अपन कह सकते हैं, मानव भूगोल का नेचर अध्ययन क्षेत्र की यदि अपन बात करें तो सबसे पहली जो बात आती है जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन। अब आप देखिए, अपन ने मानव भूगोल के वातावरण में बात की, अपन ने कहा कि प्राकृतिक वातावरण है, मानवीय वातावरण है, तो यहाँ पे उसी वातावरण को आधार मानते हुए सबसे पहला अध्ययन क्षेत्र मानव भूगोल का है जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन, कि मानव भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन होगा। मानवीय वातावरण है लेकिन जनसंख्या का अध्ययन होगा तो वो किसके संदर्भ में होगा, वहां की भौगोलिक दशाओं के संदर्भ में होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि अपन बात करें तो अपन कहें कि जैसे अपन राजस्थान का उदाहरण ले तो राजस्थान का पश्चिमी जो भाग है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर में जनसंख्या वृद्धि दर तो सबसे अधिक है लेकिन जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। इसके अपोजिट यदि अपन बात करें तो राजस्थान का पूर्वी भाग यानी जयपुर, जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर कम है लेकिन जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो जनसंख्या का जो वितरण है, घनत्व है, वो किसका परिणाम है, वहां की भौगोलिक दशाओं का परिणाम है, कि भौगोलिक दशाएं यदि मानव निवास के अनुकूल हैं तो वहां का घनत्व वितरण अधिक होगा और मानव निवास के यदि प्रतिकूल है तो वहां का घनत्व वितरण कम होगा। तो मानव भूगोल जनसंख्या का अध्ययन करेगा लेकिन वो किसके संदर्भ में करेगा, वहां की भौगोलिक दशाओं के संदर्भ में करेगा, पहली बात। दूसरा अध्ययन क्षेत्र अपन कह रहे हैं किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन। किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण में, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण यानी जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है और उस वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन यानी वे संसाधन जिनका उपयोग हमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में करता है लेकिन वो मानव को किससे प्राप्त हुए, प्रकृति से ही प्राप्त हुए जिसमें कोई भी मानवीय योगदान नहीं है। जैसे अपन कहें परिवहन के साधन, अब परिवहन के साधन तो कौन से संसाधन है, मानवीय संसाधन है क्योंकि मानव ने उसका निर्माण अपनी आवश्यकता के अनुसार किया जिससे मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन कर सके, तो वो मानवीय संसाधन है। लेकिन यहाँ पे अपन बात करें प्राकृतिक संसाधन, जैसे अपन कह रहे हैं वायु है, प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक संसाधन है, खनिज है, प्राकृतिक संसाधन है। तो किसी वातावरण में उपलब्ध जो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वातावरण विद्यमान जो प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन भी किसमें किया जाएगा, मानव भूगोल में किया जाएगा। और किस दृष्टि से किया जाएगा, खनन की दृष्टि से किया जाएगा, लकड़ी व्यवसाय की दृष्टि से किया जाएगा, क्योंकि मानवीय व्यवसाय प्रारंभ में भी अपने बात की कि मानवीय व्यवसाय है वो किस पर निर्भर करेगा, प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करेगा और प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर रहते हुए मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तीसरी बात, सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन। अब मानव भूगोल किसका अध्ययन करेगा, आपने कहा कि जनसंख्या का अध्ययन करेगा, भौगोलिक दशाओं के संदर्भ में करेगा, प्राकृतिक वातावरण विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करेगा, तीसरा अपन कह रहे हैं सांस्कृतिक भूदृश्य। अब सांस्कृतिक कौन से होते हैं, मानवीय भूदृश्य, भूदृश्य होते हैं जो धरातल पर दिखाई देने वाले जो भी दृश्य हैं जिसका निर्माण स्वयं मानव ने किया, तो उन सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन किसमें किया जाता है, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं कि आदिवास, अपन कह सकते हैं उद्योग धंधे, जो भी कार्यालय है, जो भी भवन है, जो भी इमारत है, जो ऑफिस है, परिवहन मार्ग है, तो ये सभी कौन से भूदृश्य हैं, सांस्कृतिक भूदृश्य हैं जिसका निर्माण किसने किया है, मानव ने किया है। लेकिन मानव ने निर्माण तो किया लेकिन किसका उपयोग करते हुए, प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करते हुए, क्योंकि मानव को प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन भी किस पे किया जाएगा, मानव भूगोल में किया जाएगा। चौथी बात आती है मानव द्वारा वातावरण समायोजन। समायोजन यहाँ पे आप देखिए, वातावरण अपने जैसा पहले भी कहा कि प्राकृतिक वातावरण, अपने कहा कि सांस्कृतिक वातावरण, और उस वातावरण से किसका कार्य, कौन सा कार्य, समायोजन। समायोजन क्या होगा, समायोजन होता है किसी भी परिस्थिति के अनुसार ढलना या ढालना,
दो बातें हो गई कि परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति अपन किसको कहेंगे, वातावरण को कहेंगे, चाहे आप प्राकृतिक वातावरण को कह दीजिए चाहे आप मानवीय वातावरण को कह दीजिए। तो उस वातावरण से आपको क्या करना पड़ेगा, सामंजस्य करना पड़ेगा। अब सामंजस्य करने के लिए आपको दो कार्य करने पड़ेंगे। पहला कार्य आपको अनुकूलन करना पड़ेगा। अनुकूलन क्या होता है कि वातावरण के अनुसार ढलना, स्वयं वातावरण के अनुसार ढल जाओ, स्वयं का वातावरण के अनुसार ढलना। जैसा प्राकृतिक वातावरण है, जैसा सांस्कृतिक वातावरण है, जैसे शीत जलवायु है तो वहां पे आपको रहने की आदत होनी चाहिए। जैसा खान पान आपको मिल रहा है वो आपको खाना होगा, उसको यदि आप खा सकते हैं, उसको यदि आप अनुकूलित कर सकते हैं, उसके अनुसार यदि ढल सकते हैं तो अनुकूलन है। दूसरा है परिवर्तन। परिवर्तन होता है कि जो परिस्थितियां आपके सामने हैं उसको अपने अनुसार ढालना। एक तो ढलना, ढलना तो क्या होगा, अनुकूलन होगा, और ढालना, ढालना क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो आपको किसी भी वातावरण में रहने के लिए, अपने आप का वजूद बचाने के लिए, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको दो कार्य करने होंगे। आपको अनुकूलन करना पड़ेगा, आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। अनुकूलन, आपको वातावरण के अनुसार ढलना पड़ेगा। परिवर्तन, वातावरण को अपने अनुसार ढालना पड़ेगा। और अनुकूलन परिवर्तन की ये क्रिया ही क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, शीत कटिबंधीय प्रदेश, ग्रीनलैंड का आपने नाम सुना होगा, आर्कटिक प्रदेश, और उस ग्रीनलैंड में जहां धरातल वर्ष भर हिम से आच्छादित रहता है, जहां का वार्षिक तापमान हिमांक यानी 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, वहां एक जनजाति निवास करती है, एस्किमो जनजाति। अब एस्किमो जनजाति जिस वातावरण में निवास करती है वहां की भौगोलिक परिस्थितियां मानव निवास के बिल्कुल प्रतिकूल है। वहां वर्षा नहीं होती, धरातल है वो बर्फ से आच्छादित है, जीव जंतु वहां पे नहीं है, प्राकृतिक वनस्पति पूर्ण रूप से अभाव है। ऐसे क्षेत्र में वो एस्किमो मानव प्राचीन समय से वर्तमान समय तक वहां निवास कर रहा है, क्योंकि वो एस्किमो जनजाति जिसको अपन आदिम जनजाति भी कहते हैं, आदिम अपन कहते हैं कि वो मानव वर्ग जो आज भी परंपरागत जीवन व्यतीत कर रहा है। तो एस्किमो जनजाति जो आदिम जनजाति है वो वहां के वातावरण से क्या हो चुकी, समायोजित हो चुकी। समायोजित कैसे, कि उसने क्या किया, अनुकूलन किया, उसने क्या किया, परिवर्तन किया, और उस अनुकूलन परिवर्तन का परिणाम क्या है, समायोजन। तो मानव का किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास या मानवीय क्रिया का पूर्ण होना किसका परिणाम माना जाता है, वातावरण समायोजन का परिणाम माना जाता है। अगली अपन बात करें किसी प्रदेश के स्थानिक संगठन का अध्ययन। अब किसी प्रदेश, प्रदेश होता है कि समान विशेषताओं वाला क्षेत्र। अब समान विशेषता वो जलवायु संबंधी भी हो सकती है, वो मानवीय क्रिया संबंधी समानता भी हो सकती है, और उसका स्थानिक, स्थानिक का अर्थ लिया जाता है स्थान विशेष का जो संगठन है, जैसी स्थितियां उस स्थान विशेष की हैं, तो स्थान विशेष के अनुसार या क्षेत्र विशेष के अनुसार मानवीय जो क्रियाएं हैं और उन क्रियाओं का अध्ययन किसके संदर्भ में, प्रदेश के संदर्भ में किया जाता है। अगली अपन बात करें नेक्स्ट, पृथ्वी तल पर विभिन्न परिवेशों में निवास करने वाले मानव समूह के संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन, अर्थात मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। अब मानवीय जो क्रियाएं हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मानवीय जो क्रियाएं हैं जिनको मानवीय व्यवसाय भी कहा जाता है, तो मानवीय क्रियाओं का विकास किसके साथ हुआ, मानव के साथ हुआ। कि जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, अब जैसे जैसे मानव का विकास होता गया इसका अर्थ क्या लिया जाता है कि प्राचीन समय का जो मानव है वो मानव केवल क्या करता था, पेड़ों पर निवास करता था या जीव जंतु का शिकार करके, क्योंकि मानव का सबसे प्राचीन पुराना जो व्यवसाय है, परंपरागत जो व्यवसाय है वो कौन सा है, आखेट है। तो आखेट से जब मानव ने अपनी क्रियाओं का प्रारंभ किया, शिकार से जब मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, क्योंकि मानवीय आवश्यकता अपन कहते हैं कि मूलभूत आवश्यकता, प्रमुख आवश्यकता, अनिवार्य आवश्यकता, जिसके बिना मानव का जीवन निर्वाह संभव नहीं है, तो अपन कहें भोजन, वस्त्र और आवास, उनकी पूर्ति करने के लिए मानव क्या करता था, आखेट करता था, जिनको अपन कहते हैं प्राथमिक व्यवसाय। समय का और विकास हुआ, मानव का विकास हुआ, मानवीय सोच का विकास हुआ, मानवीय क्षमता का विकास हुआ, तो मानव ने आखेट से प्राप्त जो भी वस्तुएं थी उनसे मानव ने दूसरी वस्तुओं का निर्माण करना प्रारंभ किया। जैसे अपन कह सकते हैं कि जो
शिकार से जो पशु की प्राप्ति हुई उसे खा लिया, चमड़े से उसने अपने वस्त्रों का निर्माण करना प्रारंभ किया, जूतों का निर्माण करना प्रारंभ किया, जो मांस था उसको उसने अग्नि पर, जैसे उसने आग का आविष्कार किया, उसके बाद उसने उस मांस को पकाना प्रारंभ किया, पकाकर उसको खाना प्रारंभ किया। तो निर्माण की जो क्रिया है प्राथमिक, वो केवल क्या करता था, उत्पादन करता था, केवल शिकार करता था, और जैसा शिकार उसको प्राप्त होता था वैसा का वैसा उसका उपयोग कर लिया जाता था। फिर उसने क्या किया, उसका रूप परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। रूप परिवर्तन की क्रिया अपन कहते हैं द्वितीयक व्यवसाय। फिर उसने धीरे धीरे समय का और विकास हुआ, मानवीय जनसंख्या बढ़ी, मानवीय सोच बढ़ी, मानवीय आवश्यकता बढ़ी, तो मानव ने एक नई क्रिया प्रारंभ की, वस्तुओं का आदान प्रदान, जिसको प्रारंभ में क्या कहा जाता था, मौन व्यापार। मौन व्यापार के रूप में मानव ने वस्तुओं का आदान प्रदान करना प्रारंभ किया, यानी व्यापार संबंधी कार्य उसने प्रारंभ किया। और व्यापार संबंधी कार्य किसमें आता है, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे मूल रूप से जो बात आती है कि मानवीय जो क्रियाएं हैं, चाहे वो प्राथमिक मानवीय प्राथमिक आर्थिक क्रिया हो, चाहे वो द्वितीयक आर्थिक क्रिया हो, चाहे वो तृतीयक आर्थिक क्रिया हो, उन आर्थिक क्रियाओं का, उन मानव व्यवसायों का अध्ययन किसमें किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। अंतिम जो बात आती है मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में कि कालिक अनुक्रमण का अध्ययन, कालिक, कालिक का अर्थ लिया जाता है समय, अनुक्रमण का अर्थ लिया जाता है विकास, कि समय के विकास के साथ मानव का जो विकास हुआ, क्योंकि समय के साथ किसका विकास, मानव का विकास, क्या केवल मानव का विकास नहीं, केवल मानव का विकास नहीं, मानव की क्रियाओं का विकास भी हुआ। जैसे अपन ने अभी बात की छठे पॉइंट में, अपन ने बात की कि प्राथमिक आर्थिक क्रिया जिसमें केवल उत्पादन करता था, द्वितीयक आर्थिक क्रिया जिसमें उसने निर्माण करना प्रारंभ किया, तृतीयक आर्थिक क्रिया जिसमें उसने व्यापार करना प्रारंभ किया। तो समय के साथ मानव का जो विकास हुआ, मानवीय क्रियाओं का जो विकास हुआ, उसका अध्ययन भी किसमें किया जाता है, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पे मूल रूप से यदि बात की जाए, एक बार पुनः सार के रूप में यदि अपन कहें कि मानव भूगोल है, उसमें मूल विषय क्या है, मूल अध्ययन किसका किया जाता है, तो जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन होगा, किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक जो संसाधन है उनका अध्ययन है, सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है, सांस्कृतिक यानी मानव निर्मित भूदृश्य, वातावरण समायोजन अनुकूलन परिवर्तन का अध्ययन होगा, किसी प्रदेश के स्थानिक संगठन का अध्ययन होगा, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन होगा, और समय के साथ मानवीय विकास का अध्ययन किया जाएगा।